हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यू ट्रिक्स। दिस इज प्रणय मंडल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के जो एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो फोर्थ पेपर है उसके एक नए लेक्चर में आपका फिर से वेलकम है। और जो आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्या है, हमारा जेनेटिक एंड नॉन जेनेटिक आरएनए। देखिए, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस करा था, डीएनए को डिस्कस करा था। अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम जेनेटिक एंड नॉन जेनेटिक आरएनए। देखिए, सबसे पहले बात हमने डिटेल में पढ़ रखा है आरएनए क्या होते हैं, मतलब उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होता है, उनका केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अंदर कौन से बेसिस मिलते हैं बता दें। फिर मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि क्या होता है एक्चुअल में आरएनए। देखिए, आरएनए जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, जो आरएनए होता है, आरएनए क्या होता है हमारा, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो ये क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड है। तो जैसे कि डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, वैसे आरएनए होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब राइबोस न्यूक्लिक एसिड में क्या होते हैं, उसमें होते हैं फॉस्फोरिक, देखिए जैसे सेम डीएनए होता है जिसमें उसके फॉस्फोरिक एसिड होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है, पेंटोस शुगर होता है और नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, इसमें भी सेम होता है, फॉस्फोरिक एसिड का बैकबोन होता है, फॉस्फेट एस्टर बॉन्ड से बना। फिर कहते हैं पेंटोस शुगर, शुगर होता है जो कि हमारा राइबोस शुगर। उसके साथ साथ क्या होता है हमारा, एक उसके साथ साथ होता है हमारा जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, फोर नाइट्रोजनस बेस होते हैं, वो क्या होते हैं हमारे, एडिनिन, यूरेसिल, गुआनिन एंड साइटोसिन। ठीक है, तो डीएनए में क्या होता है, ये यू नहीं होता है, डीएनए में यू की जगह पे थाइमिन होता है और यूरेसिल की जगह पे एडिनिन होता है। ठीक है, अब जब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैंने कहा कि जेनेटिक एंड नॉन जेनेटिक कारण है। देखिए, सबसे पहली बात क्या है, जो जब हम बात करते हैं कि कोई चीज जेनेटिक है, ठीक है, जब हम बात करते हैं कि ये चीज जेनेटिक है, तो जेनेटिक का मतलब क्या है, जब हम बात कर रहे हैं जेनेटिक का, जेनेटिक आरएनए, तो उसके फीचर क्या क्या होंगे, होने चाहिए, सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए, दे शुड बी इनहेरिडेटरी। मतलब वो क्या करेंगे कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में इनहेरिटेंस या फिर क्या कहते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी आउट करेंगे। अब जनरली ये चीज कौन करता है, हम अगर यूकेरियोट्स के बारे में बात करें या फिर कुछ नॉर्मल टाइम पे बात करते हैं, तो वो क्या काम करता है, ये इनहेरिटरी का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है हमारा, वो डीएनए होता है। बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें क्या कहते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए ना होके वो क्या होता है हमारे, आरएनए होते हैं। ठीक है, अब वो आरएनए क्या करते हैं, ये आरएनए का काम क्या होता है, ये इनहेरिडेटरी काम करते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, पेरेंट्स की सारी इंफॉर्मेशन को ऑफस्प्रिंग में ट्रांसक्रिप्ट कर रहे होते हैं, ऑफस्प्रिंग में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। सबसे पहली बात जो हमने कहते फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जीनोम का काम क्या है, जीनोम का काम है ऑर्गेनिज्म की प्रोटीन सिंथेसिस को क्या कहते हैं प्रोवाइड करना, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। कोई भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वो क्या काम क्या करती है, एंड एंड ऑफ द डे उसका काम तो है ट्रांसलेशन। जब वो ट्रांसलेशन अच्छे से करेगी तो क्या होगा, वो ट्रांसलेशन अच्छे से कर रहा होगा, भले ही वो डीएनए से कर रहा हो, भले ही वो आरएनए से कर रहा हो, मतलब नेटिव स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं हम, उसके इन्फॉर्मेशन के नेटिव स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, भले ही उसका नेटिव स्टेट डीएनए है, भले ही उसका नेटिव स्टेट आरएनए है, बट उसका एट द एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए, प्रोटीन इन्फॉर्मेशन, प्रोटीन का प्रोडक्शन। और इसमें क्या हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है जेनेटिक आरएनए से। तो जब आरएनए जेनेटिक मटेरियल काम कर रहा होता है, एज अ जेनेटिक मटेरियल काम कर रहा होता है, मतलब वो क्या होता है, इनहेरिडेटरी फंक्शन शो कर रहा होता है, तब वो आरएनए क्या होगा हमारा, जेनेटिक आरएनए होगा। अब ये देखिए क्या होता है, जनरली जो कुछ प्लांट वायरसेस होते हैं ना उनमें बहुत मिलता है, जैसे कि टीएमवी है, टोबैको मोज़ेक वायरस होता है, तो इसके अंदर भी क्या होता है कि जो एग्जाम्पल देता हूँ मैं थोड़ा सा यहाँ पे, जैसे कि वायरस है टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है, एक टीएमवी वायरस है जिसमें क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं, ये होता है क्या हमारा, आरएनए वायरस। देखिए, आरएनए वायरस मतलब क्या है कि इसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल वो क्या है हमारा, आरएनए है। इसके अंदर जो क्या कहते हैं, जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जीन्स होंगे, वो सारे के सारे आरएनए के अंदर होंगे और आरएनए ही पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहा होगा। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम कि जेनेटिक आरएनए जब बात कर रहे हैं, तो जेनेटिक आरएनए किन में मिलता है, थोड़ा सा इसमें ये भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होते हैं, जब जेनेटिक आरएनए के बारे में थोड़ा सा इसमें डेफिनेशन लिख देता हूं मैं यहां पे कि जेनेटिक आरएनए क्या होगा, कि व्हेन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन
फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग कैरिड बाय व्हेन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग कैरिड बाय आरएनए then this inhereditary RNA is known as genetic ठीक है, मतलब when the genetic information from parents to offspring carried by RNA, मतलब जब RNA genetic information carry करेगा parents से offspring में, तो उस time पे उस RNA को बोलेंगे genetic RNA. Then this inhereditary RNA is known as genetic RNA. जेनेटिक आरएनए की एग्जांपल क्या होती है वो थोड़ा देख लेते हैं, मतलब कौन किस किस में होता है. तो सबसे पहली बात मैंने कहा था, क्या कहते हैं, जेनेटिक आरएनए होता है, ठीक है. तो जेनेटिक आरएनए किस में होता है, जेनेटिक आरएनए प्रेजेंट होता है हमारे वायरसेस में, ठीक है, वायरस में होता है. वायरस आपको सबको पता है कि वायरस क्या होता है, जब तक इसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रहा होता है तब तक ये इनएक्टिव होते हैं, फिर डेड मानते हैं, और जब ये थोड़े जब इनको क्या कहते हैं, इनको होस्ट मिलता है तभी ये क्या कहते हैं, अलाइव होते हैं, फिर एक्टिव हो जाते हैं. और एक्टिव होने का मतलब क्या है कि ये सिंपल सा अपना अंदर का जो क्या कहते हैं जेनेटिक मटेरियल है वो क्या करते हैं ट्रांसफ्यूज करते हैं, ट्रांसफर करते हैं होस्ट में, और होस्ट के क्या कहते हैं मैकेनिज्म की हेल्प से अपने आप को ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, ठीक है. और इसी के थ्रू क्या कहते हैं ये डिजीज वगैरह करते हैं. और वायरस में क्या होता है कि वायरस के आरएनए में क्या होता है, वायरस के आरएनए हैज अ प्रोटीन कोड, ठीक है. अब ये वायरस क्या कह सकते हैं, देखो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, ठीक है. ये हो गया, इसका एग्जांपल मैंने बता दिया था, टोबैको प्लांट वायरस जो होते हैं ना वो सारे के सारे जनरली क्या होते हैं उनमें वो आरएनए वायरस होते हैं. अब इसके बाद क्या आता है, वायरस के बाद इनका और एग्जांपल क्या है, इनमें आते हैं वायरॉइड्स. वायरॉइड जनरली क्या होते हैं, होते हैं नेकेड आरएनए, नेकेड आरएनए. इनमें क्या होता है, ये नेकेड आरएनए पार्टिकल्स, काम सेम है इनका बट आरएनए के ऊपर प्रोटीन कोड होता है, और इसमें क्या होते हैं द लैक लैक्स प्रोटीन कोटिंग, ठीक है. ये है तो वायरस हो गए, वायरस हो गए. उसके बाद क्या होते हैं हमारे लाइकेंस भी होती है, लाइकेंस क्या होते हैं हमारे, लाइकेंस होते हैं, लाइकेंस क्या होते हैं, लाइकेंस का काम होता है, लाइकेंस होते हैं कहते हैं हम जिनको बोलते हैं एक टाइप से मान लो जिनके ऊपर फंगस वगैरह, फिर क्या कहते हैं ग्रेजिंग एनिमल्स भी इन पे कहते हैं फीड करते हैं, आप क्या कहते हैं ये उन पे ऊपर ये फीड कर रहे होते हैं लाइकेंस वगैरह, समझ, सॉरी लाइकेंस के ऊपर जो ग्रेजिंग एनिमल्स वगैरह है वो फीड कर रहे होते हैं, जैसे डियर हो गया, जंगल में बात कर रहे होते हैं, ठीक है. तो ये प्लांट सेक्टर में आता है, यानी कि प्लांट फैमिली से बिलोंग कर रहा होता है. और क्या कहते हैं कि जैसे हम कभी कभी मानते हैं कि लाइकेंस आर फैमिलियर टू फंगस एंड अल्गीज के बीच होता है, लेकिन नहीं, ये उनके अंदर उनके साथ कोई ज़्यादा ऐसा उनका कुछ ऐसा रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन कुछ है नहीं, ठीक है. तो लाइकेंस हो गए हमारे एक, ठीक है. तो ये इसमें भी क्या कहते हैं हमारे आरएनए होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल. अब जब हमने क्या कहते हैं जेनेटिक आरएनए पढ़ लिया, अब हमारे पास क्या है नॉन जेनेटिक आरएनए. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या हमारा नॉन जेनेटिक आरएनए, नॉन तो नन लिख दिया मैंने, नन नहीं होगा, नॉन नॉन जेनेटिक आरएनए, नॉन जेनेटिक आरएनए. अब नॉन जेनेटिक आरएनए क्या होता है, नॉन जेनेटिक आरएनए होता है हमारा नॉन जेनेटिक आरएनए, देखिए सबसे पहले जेनेटिक आरएनए क्या होगा, जो सिंपल सी बात है उसका एकदम अपोजिट होगा. तो नॉन जेनेटिक आरएनए आर आरएनए व्हिच डू नॉट हैव अ इनहेरिटरी फंक्शंस. बट इसके फंक्शंस क्या होते हैं, सबसे पहली बात नॉन जेनेटिक आरएनए क्या होता है, मेजरली किन में मिलते हैं, एक जिनके अंदर डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है. दे आर नॉन जेनेटिक आरएनए आर फाउंड
फाउंड इन कुड बी फाउंड इन ऑर्गेनिज्म्स विद विद नहीं बोलेंगे ऑर्गेनिज्म्स ऑर्गेनिज्म्स हैविंग डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल. फाउंड इन ऑर्गेनिज्म्स हैविंग डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, तो नॉन जेनेटिक आरएनए क्या होगा? दे आर फाउंड इन ऑर्गेनिज्म्स हैविंग डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल. अब जब मैंने कहा कि डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल फाउंड होता है नॉन जेनेटिक आरएनए में, तो मैं इसको बेसिक में बताता हूँ कि नॉन जेनेटिक आरएनए क्या होता है, नॉन जेनेटिक आरएनए क्या क्या होता है. देखिए, नॉन जेनेटिक आरएनए होता है तीन टाइप का, तीन काम होते हैं नॉन जेनेटिक आरएनए. सबसे पहला काम क्या होता है, दे वर्क्स एज अ कॉपी ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, सबसे पहला काम. ठीक है, सेकेंड काम क्या है, दे प्रोवाइड अमाइनो एसिड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस एंड थर्ड क्या है हमारा, दे They provide environment to or for two ले देंगे for translation. ठीक है, अब इसको हम जब आगे बढ़ते हैं तो इसमें क्या होते हैं, तीन टाइप के नॉन जेनेटिक आरएनए होते हैं जनरल हम बात कर रहे थे. सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, होता है मैसेंजर आरएनए जिसको बोलते हैं एमआरएनए. फिर होता है हमारे पास राइबोसोमल आरएनए. फिर होता है हमारे पास ट्रांसफर आरएनए. ठीक है, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, तीन हमारे पास हो गए, एमआरएनए, आरएनए, टीआरएनए. अब थोड़ा सा इनको डिटेल में समझ लेते हैं एमआरएनए क्या होता है. सबसे पहले बात एमआरएनए क्या, हल्के में हल्का सा बात कर लेते हैं हम पे एमआरएनए. ठीक है, मैसेंजर आरएनए का काम क्या होता है. देखिए, पहला जो हमने बताया था कि दे वर्क एज अ कॉपी ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, तो मैसेंजर आरएनए का काम क्या होता है, ये करते हैं आफ्टर रेप्लिकेशन. जब रेप्लिकेशन होता है, जैसे कि यहाँ पे सपोज कर लेते हैं यहाँ पे क्या है हमारे पास डीएनए है. ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास डीएनए स्ट्रैंड है. ठीक है, ये क्या हमारे पास डीएनए है. ठीक है, ये डीएनए को क्या करता है, जब डीएनए से क्या करता है, डीएनए अपने स्ट्रैंड्स को ओपन करता है, और ओपन करने के बाद डीएनए की एक फ्रेम की कॉपी, जैसे कि सपोज कर लेते हैं ये वाला हमारा पेरेंट है, ये वाला हमारा ऑफस्प्रिंग है, तो ये करता है ये पेरेंट की क्या करता है, कॉपी करता है. ठीक है, ऐसा कर लेते हैं ये, समझ गए. देखिए, ये आ गया वो सुपर क्या कहते हैं, जब सॉरी सुपर बोल रहा डीएनए में जब ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस होती है, तो उसमें क्या होता है डीएनए अपना अपने आप को कैसे थोड़ा सा अपने स्टैंड्स को खोल देता है, अपने पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग स्टैंड को, दोनों स्टैंड को अलग अलग करता है, और उसके बाद क्या करते हैं पेरेंट्स स्ट्रिंग से पेरेंट वाले उससे क्या करता है एक कॉपी बनेगी, यहाँ पे इसके बेसिस के साथ इसके बेसिस की कॉपी बनेगी. ठीक है, इसके एडिनिन के साथ इसके एडिनिन के साथ उसका यू जुड़ेगा, और उसके गुआनिन के साथ उसका सी जुड़ेगा, तो पता ही आपको. ठीक है, फिर क्या होगा इसके इसके बाद क्या होगा, ये जो आरएनए बना ये क्या बनेगा हमारा आरएनए बनेगा, और ये आरएनए क्या है, इस आरएनए का नाम क्या है हमारा एमआरएनए. ठीक है, ये क्या करता है कॉपी करता है डीएनए को, कॉपी करता है और डीएनए को कॉपी करके आगे बढ़ा के एमआरएनए बना लेता है. ठीक है, अब देखिए यहाँ तक अगर आपको ये वीडियो या फिर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिएगा. नए नए क्लासेस आते रहते हैं हमारे पास हमारे चैनल पे, तो उनको जरूर से जरूर क्या कहते हैं सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करिएगा. अब यह कहते हैं अगर क्वेश्चन है कोई समझ में नहीं आ रहा है पे डाउट्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से जल्दी से पूछ लीजिए. ठीक है, हम क्या कहते हैं तुरंत तुरंत क्या कहते हैं आंसर देने का ट्राई करेंगे. ठीक है, तो ये क्या है हमारा एमआरएनए, मतलब अब क्या है हमारा मैसेंजर आरएनए. मैसेंजर आरएनए क्या कर रहा है इसने, इसने करा
इसका काम क्या हो गया, इट क्रिएट्स और इट इज द कॉपी ऑफ डी एन ए। देखिए मैंने कहा इसमें पेरेंट ऑफ पेरेंट और इसमें ऑफस्प्रिंग कहा ना मैंने, तो पेरेंट हमेशा पेरेंट की कॉपी होगी और जो एम आर एन ए होगा सिंगल किसके होगा, ये होगा ऑफस्प्रिंग वाले डीएनए के, ठीक है ऑफस्प्रिंग वाले डीएनए पे होगा। और यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होगा, ये 5' to 3', ठीक है 5' to 3' जाएगा। अभी एम आर एन ए क्या होगा हमारा, एम आर एन ए हो गया हमारा 5' to 3'। अब इसमें क्या होता है 5' पे क्या कहते हैं हमारे गुआनिन वाली कैपिंग होती है, सॉरी 3' पे पॉलीएडेनाइलेशन होता है, ये सब चीज़ हम पढ़ेंगे जब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पढ़ रहे होंगे, ठीक है अभी हम सिंपल खाली एम आर एन ए पढ़ लेते हैं। एम आर एन ए जब उसमें बन गया तो जब इसमें क्या होगा, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ठीक है इट इज द कॉपी ऑफ डी एन ए, ठीक है एंड दिस प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डी एन ए इंटू आर एन ए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है द आर एन ए प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसक्रिप्शन ऑल्सो कॉल्ड एम आर एन ए और ट्रांसक्रिप्ट स्ट्रैंड, मतलब इसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ है, सॉरी जो ट्रांसक्रिप्शन होकर बना है वो क्या होगा एम आर एन ए बोलेंगे, या फिर उस एम आर एन ए को हम क्या बोलते हैं ट्रांसक्रिप्ट बोलने होते हैं, मतलब जिससे हमको ट्रांसक्राइब करना है, ठीक है। तो द आर एन ए प्रोड्यूस बाय ट्रांसक्रिप्शन ऑल्सो कॉल्ड एम आर एन ए और ट्रांसक्रिप्ट स्ट्रैंड। उसके बाद क्या है हमारे पास, हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद हमारे पास एम आर एन ए, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लिया हमने नॉन जेनेटिक आर एन ए, एम आर एन ए समझ लिया कि इसका डीएनए की सिंपल कॉपी होता है और डीएनए से फिर क्या होता है न्यूक्लियस से बाहर निकल रहा होता है, ठीक है निकल के क्या होता है, अब इसके कहते हैं ऊपर से 5' G कॉपिंग होती है और 3' पे एडेनाइलेशन होता है, ठीक है ताकि उसको प्रोटेक्ट रहे। तो ये सब चीज़ें जब हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे तब समझ ही लेंगे, अभी हमारा एम आर एन ए कंसर्न है तो एम आर एन ए यहाँ पे हमने थोड़ा सा समझ लिया। अब क्या है हमारे पास नेक्स्ट, आर एन ए क्या है हमारे पास, मैंने कहा आर आर एन ए, ठीक है देखिए आर एन ए क्या होता है, इसको बोलते हैं हम राइबोसोमल आर एन ए, राइबोसोमल आर एन ए। अब जब राइबोसोमल आर एन ए कहा तो देखिए हमारे सेल्स में एक होता है सेल्स का एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं राइबोसोम, और यूकैरियोट्स में क्या होता है राइबोसोम, जिसको यूकैरियोट्स वाले राइबोसोम क्या बोलते हैं हम एटीएस, वाइल जो सॉरी एटीएस लिखते हैं इसको ना हम ऐसा कर देते हैं कि एटीएस होता है और वो एटीएस क्या होता है हमारा यूकैरियोट्स में होता है एंड 70S होता है प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। तो राइबोसोम होता है यूकैरियोट्स में 80S वाला होता है और प्रोकैरियोट्स में 70S होता है। इसको डिटेल में अभी तो नहीं डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि राइबोसोम हमारा कंसर्न है, अभी कंसर्न हमारा आरएनए है, आरआरएनए है, ठीक है। तो आरआरएनए क्या करता है राइबोसोम पे जाता है, जैसे कि सपोज यहाँ पे थोड़ा सा राइबोसोम का स्ट्रक्चर बना लेता हूँ मैं, ठीक है। देखिए राइबोसोम के ना दो पार्ट होते हैं, इसमें क्या होता है 80S वाले में 60S यूनिट होता है और एक 40S यूनिट होता है, और 70S वाले में 50S यूनिट होता है और 30S यूनिट होता है। अब मत बोलना है कि सर 60S और 40S बल्कि तो 100S होता है, तो S क्या कहते हैं हमारे, हमने इसको टुकड़ा करके नहीं बनाया, S हमारे क्या कहते हैं यूनिट दे रखी है हमने, ठीक है। तो क्या होता है इसमें दो यूनिट होता है। अब क्या होता है इसमें सारे क्या क्या होता है हमारे पास राइबोसोम लगे होते हैं यहाँ पे, और इसमें कहते हैं तीन चैम्बर होते हैं, मैंने गलत बना दिया बट इसमें तीन चैम्बर होते हैं, ठीक है ये हो गया हमारा, ठीक है ये हमारा क्या है हम यूकैरियोट के बारे में बात करते हैं 60S और ये 40S, और यहाँ पे क्या होता है हमारा, तो अगर ये 40S है तो सबसे पहले क्या होता है 40S यहाँ पे नीचे रहता है, ठीक है यहाँ पे 40S रहता है, और 40S क्या करता है इसके ऊपर यहाँ पे हमारे सारे ये बना किससे होता है, इसके अंदर आर आर एन ए है राइबोसोमल आर एन ए,
आरएनए क्या करता है, एमआरएनए जब आता है, ट्रांसक्रिप्ट आ रहा होता है एमआरएनए, ठीक है, एमआरएनए यहाँ से घुसता है इसका 5 प्राइम, ठीक है, ये 5 प्राइम है यहाँ पे, ठीक है, हमारा एमआरएनए है, ठीक है, करता है एमआरएनए क्या कर रहा होता है यहाँ पे, इसको रीड करता है इस जगह पे, पहले सेक्शन पे रीड कर रहा होता है एमआरएनए को, जैसे कि स्टार्ट कोडन बोलते हैं हम एयूजी, ठीक है, तो सबसे पहले एयूजी होगा जहाँ से स्टार्ट होगा प्रोमोटर के बाद, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा एयूजी होगा, और एयूजी क्या प्रोमोटर क्या होता है, देखिए एमआरएनए ना ट्रांसक्रिप्ट होता है, तो इसमें क्या होता है यहाँ से स्टार्ट कोडन होता है एयूजी, किसी भी एमआरएनए में सबसे पहले के 3 कोडॉन से पहले के 3 नाइट्रोजनस बेसिस क्या होंगे, एयूजी, जो कि सिंथेसाइज करता है कौन सा अमीनो एसिड, मिथ्यूनिन। अब मिथ्यूनिन सिंथेसाइज कर रहा होता है वो अलग बात है, लेकिन जब यहाँ पे ये हमारा इस जगह ये हमारा क्या है, हमारा एयूजी है, इससे पहले हमारे पास क्या होता है यहाँ पे ऑपरेटर, इसके पहले के सेक्शन को बोलते हैं, यहाँ पे ऑपरेटर होता है, इसमें प्रोमोटर होता है, रिप्रेसर होता है, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं यहाँ पे, तो ये सारी की सारी चीजें क्या करता है, इसके सिंथेसिस को क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है जब एयूजी आएगा यहाँ पे, तो एयूजी आता है तो आरएनए क्या करता है, इसको रीड करता है, और फिर 60th सबयूनिट क्या करता है, ऊपर जो 60th सबयूनिट होता है, मैंने कहा एयूजी से मिथुनिन आता है, तो क्या करेगा 60th सबयूनिट यहाँ से क्या करते हैं अपना सिग्नल यहाँ से रीड करेगा इसको आरएनए, और फिर यहाँ पे क्या करेगा यहाँ से एंजाइम से सॉरी सेल में सिग्नल आएगा, और इसमें क्या करेगा ये टीआरएनए को ले आएगा, और टीआरएनए क्या करता है हमने पहले ही बताया अमाइनो एसिड को ले आता है, और अमाइनो एसिड क्या है इसमें, इसमें हमारा है मिथ्यूनिन, तो मिथ्यूनिन को ले लेके आएगा पहला, और ऐसे करके इसमें पहले 3 फिर के बाद फिर 3 फिर 3, आपको पता है ना जो होता है जेनेटिक कोडॉन होता है वो कोडॉन कितने कितने बेसिस का होता है, वो 3 बेसिस का कोडॉन होता है, एक कोडॉन का जो कहते हैं नॉर्मल डेफिनेशन है पता है आपको, 3 3 नाइट्रोजन बेसिस से बना होता है, और 3 नाइट्रोजन बेसिस एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए बेस्ड होता है, ठीक है, एक कोडॉन हमेशा एक ही अमाइनो एसिड के लिए काम करेगा, लेकिन एक अमाइनो एसिड एक ही कोडॉन पर नहीं आएगा, ये चीज़ आप देखिएगा, एक कोडॉन एक अमाइनो एसिड करेगा, बट एक अमाइनो एसिड पर मल्टीपल हो सकते हैं, कोडॉन मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है, और जब ये एंड होगा तो इसमें क्या होता है 3 हमारे पास होते हैं, ये हमारा इस एयूजी को बोलते हैं हम स्टार्ट कोडॉन, ठीक है, स्टार्ट कोडॉन, वहीं पे स्टॉप कोडॉन होता है, मतलब जिसके बाद क्या होता है हमारा ये सबयूनिट अलग हो जाएंगे, और क्या होगा इसमें इसके अंदर से क्या होगा यहाँ से हमारा ये हमारे अमाइनो एसिड जुड़ते 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 यहाँ पे पहुंचते हैं ना, यहाँ पे जुड़ते हैं, ठीक है, हमेशा यहाँ पे जुड़ते हैं, यहाँ पे टीआरएनए लगा रहता है, ठीक है, ये हमेशा यहाँ पे टीआरएनए लगा रहता है, और टीआरएनए हमेशा इसको एक एक को पकड़ता रहता है, और दूसरा जो खाली होता है उसको छोड़ता जाता है, ठीक है, ऐसा होता है, जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा ऐसे थोड़ा मोटा मोटी आइडिया लगा लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या है हमारा स्टॉप कोडन होता है, और स्टॉप कोडन क्या करता है, स्टॉप कोडन क्या होता है हमारे पास, स्टॉप कोडन होता है हमारा UUU 3 होता है स्टॉप कोडन, UAU और एक होता है हमारा AUU, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, UAA यूरेसिल से एंड होते स्टार्ट होते सारे के सारे, ठीक है, UAA, तो ये हमारे 3 कोडोन क्या है हमारे स्टॉप कोडोन होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अपने राइबोसोमल कोडोन राइबोसोमल आरएनए समझ लिया, राइबोसोमल आरएनए क्या होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, राइबोसोम में प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है प्रेजेंट होता है राइबोसोम में, रीड्स दी कोडोन सिक्वेंस, ठीक है, रीड्स दी कोडोन सिक्वेंस, प्रोवाइड सिग्नलिंग फॉर करेक्ट टी आर एन ए फॉर करेक्ट टी आर एन ए, ठीक है, एंड होल्ड्स दी पेप्टाइड चेन चेन विद टी आर एन ए, ठीक है, तो ये जो हमारा चेन है इधर, ये है हमारा पेप्टाइड चेन, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे आर एन ए का फंक्शन आप लोग समझ गए, अब आर एन ए के बाद देखिए टी आर एन ए तो मैंने बता ही दिया ऊपर टी आर एन ए का काम क्या है, फिर भी थोड़ा सा हल्का सा समझ लेते हैं टी आर एन ए हल्का फुल्का, हमने यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, तो टी आर एन ए क्या होता है हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, ये होते हैं हमारे अमाइनो या फिर अमीनो एसिड प्रोवाइडर, और एक किसमें क्या कहां काम आते हैं ये
हेल्प्स इन ट्रांसलेशन, मतलब ये जो प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे पेप्टाइड फॉर्मेशन होता है इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसलेशन बोलते हैं। जो डीएनए से एमआरएनए बनने को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से पेप्टाइड चेन बनता है तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसलेशन। अब जब ट्रांसलेशन होता है तो क्या होता है, हेल्प्स इन ट्रांसलेशन। टीआरएनए क्या करता है, हेल्प्स इन ट्रांसलेशन। कैसे हेल्प करता है, ये पेप्टाइड चेन को होल्ड कर देता है। हाउ हेल्प करता है, हेल्प्स इन ट्रांसलेशन बाय होल्डिंग द पेप्टाइड चेन, ठीक है, बाय होल्डिंग द पेप्टाइड चेन। अब अमाइनो एसिड प्रोवाइडर होता है हेल्प्स इन ट्रांसलेशन बाय होल्डिंग द पेप्टाइड चेन। अब जब मैंने कहा होल्डिंग द पेप्टाइड चेन हो गया, अब टीआरएनए हो गया। अब टीआरएनए स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा होता है, देखिए टीआरएनए कुछ इस टाइप से होता है, आप कैसे समझाऊं मैं आपको, ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा होता है, ठीक है, टीआरएनए कुछ ऐसा होता है, और जिसके यहां पे होता है हमारा कोडॉन सीक्वेंस रीडर, ठीक है, यहाँ पे कोडॉन सीक्वेंस रीडर होता है, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, अमाइनो एसिड लगा होगा। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे मेथिनिन है, तो मैंने इससे पीछे वाले पेज में कहा कि यहाँ पे रीड करता है, इस पोजीशन पे रीड करता है, तो देखिए ये एमआरएनए जो ट्रांसक्रिप्ट है, तो ट्रांसक्रिप्ट हमारा ये हो गया, ठीक है, तो इसमें अगर ये इधर से है 5' इधर है, तो इधर होगा ए यू जी, ठीक है, ये होगा ए यू जी, और इसको होल्ड करके किसने रखा है, इसको होल्ड करके रखा है आरआरएनए। अब आप समझ जाएंगे इसका पूरा फंक्शन आरआरएनए का, ठीक है, ये क्या है हमारा आरआरएनए है, ठीक है, ये क्या है हमारा आरआरएनए। अब इसमें ए यू जी लगा हुआ है, तो इसके अंदर कौन सा होगा, इसके अंदर होगा हमारा यू ए सी। जब यू ए सी या फिर सी ए यू बात करते हैं हम, ठीक है, वैसे तो हम बोलते हैं कि इधर 5' है, ठीक है, इस साइड से स्टार्ट होता है, तो जब यहां पे यू ए सी से स्टार्ट होगा, तो जब ये यू ए सी से स्टार्ट होगा, तो वो वाला क्या होगा कोडोन किस लिए आएगा, या फिर वो वाला टी आरएनए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, बट ये होगा हमारा ये रीडिंग वाला है ना, ये रीडिंग सीक्वेंस है, ठीक है, ये कोडोन रीडिंग सीक्वेंस है, कोडोन रीडिंग सेंटर है, ठीक है, ये कोडोन रीडिंग सेंटर है, कोडोन रीडर ऐसा समझ लेते हैं, ठीक है, तो क्या करेगा ये कोडॉन रीडर, क्या करेगा जहां पे यूएसी होगा, फिर इधर से देखोगे तो सीएयू होता है, तो उस टाइम पे क्या काम करेगा ये मिथ्यूनिन, इसके जो क्या कहते हैं 3' एंड पे क्या लगा होगा, मिथ्यूनिन अमाइनो एसिड लगा ही लगा होगा। तो जो टीआरएनए का कोडॉन रीडर यूएसी है उसमें मिथ्यूनिन लगा होगा, समझ गए, तो ये हमारा सिंपल टीआरएनए का फंक्शन है। टीआरएनए हो गया यहाँ पे, आपने क्या कहते हैं एमआरएनए हो गया, ये हमारे बेसिस थे, जी भी है यू भी है, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ ए सी सी जी, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, तो ये हमारे क्या कहते हैं एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट है। तो ये हमारा आरएनए को डिस्क्राइब कर रहा है, ये हमारे टीआरएनए है, और ये हमारा एमआरएनए। जब इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे ट्रांसलेशन के टाइम पे, तो उस टाइम पे टीआरएनए के स्ट्रक्चर को थोड़ा डीपली जानेंगे। एक्चुअली टीआरएनए का स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है वैसा नहीं होता है, मतलब इसी टाइप का होता है, सिमिलर होता है, बट एग्जैक्ट वैसा नहीं होता है, उनमें कुछ फंक्शंस होते हैं, उसके कुछ फंक्शनैलिटीज होती हैं, तो जब हम उसको ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, क्योंकि ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी इसके स्ट्रक्चर वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे बोलते हैं तो टीआरएनए क्या होते हैं हमारा थोड़ा सा लीफ टाइप का स्ट्रक्चर होता है मानते हैं, ठीक है, तो ये इसका रीजन क्या है, देखिए यहाँ पे ना यहाँ पे भी एक क्या कहते हैं फोल्डिंग होती है, इस जगह पे एक फोल्डिंग होती है, इन फोल्डिंग्स के अलग अलग नाम भी होते हैं, ठीक, तो अभी हम उस पर डीप नहीं जाएंगे ज़्यादा, अभी हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि नॉन जेनेटिक आरएनए क्या होता है, जब एमआरएनए आरएनए टीआरएनए, अभी हम यहाँ पे डिटेल में नहीं जाना है, अभी बस खाली हमको जानना है कि इनका काम क्या होता है, तो इनका काम आपको समझ जाएगा कि अमाइनो एसिड प्रोवाइड करते हैं हेल्प इन ट्रांसलेशन बाय होल्डिंग द पेप्टाइड चेन, और एक कैसे काम करते हैं आपको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जनरल आइडिया दे दिया। तो यहाँ पे आपको जेनेटिक एंड नॉन जेनेटिक आरएनए का जो चैप्टर होता है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अगर अच्छा लगा है तो डू हिट द लाइक बटन, अगर इसके बारे में डिटेल कुछ पूछना है, फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, अच्छा लगा समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में कुछ सजेशन होगा तो ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, और लाइक बटन ज़रूर से ज़रूर दबाइएगा। लेक्चर नए नए लेक्चर को क्या कहते हैं देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जब भी नया कोई लेक्चर आएगा तो आपको नोटिफाई हो जाएगा, फिर आपके ऊपर है कि आपको उसको देखना है, आपके पास टाइम है नहीं है, उस हिसाब से आप उसको कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं, ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल दी बेस्ट, टाटा।